देख मैं सही हो गया इसलिए मैंने बत्ती सीख ली। जब लोग आप लोग आप करते हो ना तो पीछे से आपकी आवाज़ आती रहती है, लोग आपको देखने नहीं आते। उसमें सामने बैठ के हम दोनों होते हैं ना तो लोग मुझे देखने आते हैं। सो वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू आशू की रितुई किचन। बना दिया इसे चॉकलेट मिल्क, हाँ ब्राउन मिल्क। जो हमारी मैडम ने रसगुल्ले बनाए थे हम पिताजी को वो खिलाए, ऊपर से मलाई चीनी पिला रही है, मोटा करके छोड़ गई। हमारे पति देव का मेकअप हो रहा है। ये किसने सिखाया तुझे? तुझे सब पता है भाई। Hey, what's up guys? Welcome to today's vlog. तो भाई आज हो गई है ब्लॉग करने में देरी क्योंकि सुबह से मेरा मूड सा खराब था और मैं हुआ पड़ा था ऐसी पड़ा पड़ा फिर रहा था, पता नहीं तबीयत से खराब होती क्या। अभी इसने मेरे को गुस्सा दिलवा दिया तो मेरा बीपी हाई हो गया, मैं सही हो चुका हूँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हाँ मैं तो गुस्सा दिला इतना है। मीनवाइल आज मेरी घरवाली ने बनाई है, देखिए इसे कहते हैं गोले की बर्फी, बर्फी बनाई बर्फी, गले की बर्फी बनाई है मेरी घरवाली ने। और पता है मैंने कहा ना चल मैं व्लॉग स्टार्ट करता हूँ, सुबह से मेरा ये था ना व्लॉग स्टार्ट नहीं करने का, मेरा मूड सा खराब था, ऐसी तबीयत सी खराब ही पड़ी थी, पता नहीं क्या हो रहा था, पड़ा 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 फंस रहा था। तो कहती है जब तक तुमसे व्लॉग करा नहीं गया जब मैं गोले घिस रही थी। देख मैं सही हो गया इसलिए मेरी बत्ती सीख ली। मैं सुबह से ना ऐसा पड़ा था, अब मैं ही हो गई। पता है अभी ना मैं इससे कह रहा था कि हम 24 घंटे व्लॉग करते रहते हैं, उस पर ज़्यादा लाइक्स नहीं आते, लोग व्यूज़ भी नहीं देते, 350-300 का एवरेज बैठता है दिन का। और अगर हम कैमरे के सामने बैठ के कुछ एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो उस पर 550-600 व्यूज़ एक दिन में पार हो जाता है, 50-60 लाइक हो जाते हैं, ऐसा क्यों? तो मैडम पता है क्या कहती है, हम देखो चिंटल क्या कह रही थी, तू बोल, तूने अच्छे से बोला था, बोल ऐसा मत ना, मैं पागल हो गई, मैं बताता हूँ क्या हुआ था, बताना नहीं। पता है क्या कहती है, क्योंकि तुम जब लोग जब लोग आप लोग आप करते हो ना तो पीछे से आपकी आवाज़ आती रहती है, लोग आपको देखने नहीं आते। उसमें सामने बैठ के हम दोनों होते हैं ना तो लोग मुझे देखने आते हैं, हैंड्स पर है भाई। सो वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू आशू की रितुई किचन। तो आपने सबने पिछली बार पूछा था कि हमने हमारी मैडम ने कपकेक कैसे बनाया था, तो आज मैम कपकेक की रेसिपी बनाई थी, बिस्किट डाले हैं बस, दिखाइए कौन सा गिर जाता ना अभी सर, ऐसे नहीं चलाते एकदम। ये देखो इसने ना ये सारे के सारे बिस्किट भर दिए इसमें, है ना मैडम, लाओ और डाल, देखो और डाल दे। अच्छा मैडम हमारी इसमें चीनी चीनी भी डाल दी, मीठा मीठा करते हैं ना केक, कितनी चीनी डाली, 2-3 और डालते हैं, छोटा है ना चम्मच। देखो इसमें 4 टीस्पून वाले टीस्पून है ना जतिया, लेस देन अ टीस्पून, इसे 4 चम्मच डाली है और पूरा बिस्कुट का पैकेट रुकी हुई। ये देखो पाउडर बना दिया, ये देखो इसने पूरा पाउडर बना दिया। अब मैडम भी इसमें डालेंगी 1/2 कप मिल्क, है मैडम, ये देखो ये बिस्कुट वैसे तो नहीं खाता तू भाई। इसको ऐसा अरे अल्लाह अल्लाह ए बिस्कुटवा तो नहीं खाते हो तुम वैसे, और चाहिए अभी निकालूं आगा। इसमें दूध दूध डाल दिया ना तूने, इसमें दूध डाल के फिर हिला दिया घुमा दिया, मतलब पेस्ट बनाई गई अब इसका, वो देखो ब्लैक चॉकलेट पेस्ट, देखो इसमें ओल डाला इसमें। तो अब ना मेरा मेरी शेफ वाली बुद्धि जागी, तो मैंने अब इसमें कोकोआ पाउडर प्लस वनीला एसेंस डलवा रहा हूँ मैं इसमें, ताकि वनीला एसेंस क्या करेगा, वनीला एसेंस आएगा थोड़ी सी स्मेल, कोकोआ पाउडर से थोड़ा और चॉकलेटी हो जाएगा ये। मैडम डाला इसने थोड़ा सा वनीला, वनीला थोड़ा सा है ना, सही है, अब इसे फैट दो फिर इसे रख देंगे, है ना। बस हम इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी कर दी इसकी है, एक तार वाली कंसिस्टेंसी करके अब इसकी ग्रीसिंग करोगे, इसमें मतलब बटर लगाओगे क्या, घी, हाँ मतलब बटर घी कुछ भी लगा के, और ये इसमें रख देंगे। इसे ओवन में कितनी देर चलाएगी जी तू? 2 मिनट इसे, मतलब 2 मिनट क्या, इसे जब तक देखेंगे कि अगर कांटा डालें और वो चिपक के नहीं आना चाहिए। क्या करो ना इसमें और इसमें पूरा भर के ग्रीसिंग करके इसे टैप कर लिया, मतलब हाफ भर के इसे टैप टैप कर लिया ताकि सारे एयर बबल्स बाहर आ जाएं। अब हम इसे रखेंगे ओवन में। वह हमारा चल रहा है केक, और यहाँ मैडम ने जो बचा हुआ मटेरियल था उसमें दूध फेंट दिया, बना दिया इसे चॉकलेट मिल्क, हाँ ब्राउन मिल्क। मेरी मेरी घरवाली ने जो मेरे प्रमोशन होने पे मिठाई बनाई है ना भाई, मजा आ गया फिर में, एक नंबर, मैं खड़े खड़े 2 बर्फी खा चुका हूँ जब से, और हमारा केक हो गया, देख रहे हो देखो, मतलब 1/2 कप था अरे फुल हो गया।
केक रेसिपी। इसने क्या किया मैं एक बार और दोबारा बता देता हूँ। इसने एक टाइगर बिस्किट का बोलिया या कोई भी क्रीम वाला बिस्किट आप ले सकते हो, लो उसे फेंटा। इसने उसे फेंटने के बाद ये एक पाउडर बना लिया, उसमें 4-5 चम्मच चीनी डाली स्वाद अनुसार जितना मीठा आप चाहते हो। उसके बाद इसमें 1/2 कप दूध, मतलब एक तार वाली जैसा कहते हैं ना थोड़ा थिक वाला कि उठाओ और एक तार सा बन जाए बस, उतना बनने के लिए इसने उसे चलाया। उसे कप को ग्रीस करके ओवन में 2 मिनट के लिए रख दिया। ओवन में 2 मिनट रखने के बाद ये हो गया फर्मेंट करके, मतलब 1/2 कप रखा था पूरा कप बन गया और आपका केक तैयार। मेरे पिताजी की स्पेशल डिमांड आई है कि भैया ठंडी चीज़ें खिलाओ, गर्म गर्म हमसे खाया नहीं जाता। तो अब हम जो हमारी मैडम ने रसगुल्ले बनाए थे हम पिताजी को वो खिलाएंगे। आपको रसगुल्ला दिखाऊँ आपको इसकी कैसी हो रही है, ये देखो भर जाएगा, देख फूल गया भर जाता है उसमें दोबारा। इतना सही बनाया ना इसने गोल गोल रसगुल्ले से। मोटी गुड जॉब कर रही है तू। मैं सोच रहा था ना मिष्ठान भंडार खुला दूँ एक। सो भाई लोगों फिलहाल अपना मटके हो गया डन, अब हम करने वाले हैं शूटिंग जो सैटरडे की संडे की सेकंड वीडियो थी उसकी। और एक्चुअली ये थोड़ा हटके कॉन्सेप्ट है, हम थोड़ा अलग अलग कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो शादी बहुत लोगों की होती है, अरेंज भी होती है, लव भी होती है, बट इन दिस वीडियो जो हम अभी शूट करने वाले हैं इसमें हम बताने वाले हैं कि लॉकडाउन के वजह से हमने क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस की, मतलब कैसे क्या क्या चीज़ें अरेंज की। इसमें ज़्यादातर नेगेटिव पॉइंट होंगे, इसका पार्ट टू आएगा अगले सैटरडे या संडे में, उसमें हम बताएंगे कि इसमें क्या मतलब इस चीज़ की वजह से क्या क्या फ़ायदा हुआ। हम एक वीडियो में भी कवर कर सकते हैं बट वीडियो यार 45 या 1 घंटे की हो जाएगी, उसमें फ़ायदा नहीं है। तो बेटर ये कि 20-25 मिनट की ही वीडियो रहे तो ताकि आप लोग पूरा देख पाओ। तो अब इसमें हम शूट करेंगे, उसके बाद हम पे और भी आइडियाज़ हैं कि शादी के बाद ज्योति और मैंने किस तरीके से कॉपअप किए चीज़ें ऑफिस के साथ साथ और घर का भी संभालना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखो पीछे आगे मेरे बंदर दो। सो हम शूट करते हैं, हम उसके बाद व्लॉग करेंगे स्टार्ट। मेरी बीवी ना इतनी बड़े वाली है, मैंने कहा कूलर चला दे, कूलर नहीं चला दी। अब मुझसे कहती है कि कूलर चला दो, उठ के पानी दे दो, ये कर दो वो कर दो, मैं सब कर देता हूँ। मतलब मैं बैठ के ना अभी जो संडे की वीडियो थी, जो मतलब सोचा कुछ हुआ क्या जो वीडियो थी जो हमने रात को डाली थी, उसकी एडिटिंग कर रहा हूँ। मैडम मेरे को देखी गई है मलाई चीनी, एक तो मैं एक्सरसाइज कर नहीं रहा सैटरडे संडे, ऊपर से मलाई चीनी पिला रही है, मोटा करके छोड़ेगी लड़की मेरे। तो भाई फाइनली अब बजे हैं रात के 8 और हमने शूट एक्चुअली 6:30 बजे निपटाया था और 1.5 घंटे के अंदर अंदर आज मैंने 20 मिनट की एडिटिंग कर दी। मतलब मेरा हाथ ना बैठता जा रहा है एडिटिंग पर, मैं जल्दी जल्दी एडिटिंग निपटा देता हूँ मैं। तो इसे करते हैं प्रीमियर, अभी एक्सपोर्ट हो चुका है, 50% एक्सपोर्ट हो चुका है, अभी बच रहा है 50% और 10-15 मिनट में हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से 8:45 तक मैं इसे अपलोड कर दूंगा। पहले इसे करते हैं प्रीमियर में बताता हूँ आज कैसा रहा रिस्पॉन्स। बताओ मैं आपको क्या बोलूँ, मैं सोच रहा मैं मजबूर हूँ लिटरली। मतलब मैंने ये सोचा था कि आप लोग मेरे भाई बंधु हो और आप लोग साथ दे रहे हो रितु का, आप चाहते हो मैं डांस करूँ, मेरा मेकअप हो, ये चीज़ ना मैंने कतई एक्सपेक्ट नहीं की थी। सब दगाबाज निकले, सब ऐसे काम नहीं चलेगा। कोई नहीं, मेरी भी बारी आएगी, फिर देखेंगे कौन मेरा साथ। मतलब अभी हमारे साथ जुड़े हैं 25 लोग, मैं इधर जवाब दे रहा हूँ लैपटॉप पर, वो देखो एज यूजुअल मेरे वाला कोना पकड़ के बैठी रहती है और काम करती रहती है। मतलब आप लोग ना मुझसे प्यार ही नहीं करते, सही बोल रहा हूँ मैं भाई साहब। अविंत का मैडम बोल रही है कि नेक्स्ट वीडियो ये बनाए, ये बंदर सी शक्ल वाली औरत जो है मेरी ना, कह रही है नेक्स्ट वीडियो आई एम वोटिंग की पूरा व्लॉग रितु मैम बनाए। हो गया काम अगर इसे बनाने लगी। और शाजी जी पूछ रहे मेरा मेकअप, भाई क्यों मेरा मेकअप करके मेरे को करना है, क्यों तू करेगी मेरा मेकअप, देखो नाड़ी ला रही है। अभी का जस्ट नया इल्ज़ाम लगा है मेरे ऊपर इस औरत के थ्रू, हंस रही है देखो नाक पकड़ के। मुझसे कहती है अभी एक्चुअली शादी की वीडियो देख रही थी तो मम्मी कहती है कि कितनी बार मांग में सिंदूर भरा है, मैंने जितनी बार लगाना था उतनी बार लग गया। फिर मम्मी कहती है उन्होंने नाक पे भी घेर दिया, मम्मी ने कहा शुभ होता है, लाल तोता बना दिया। तो मम्मी कहती है वो ना शुभ होता है, तो कहती है क्या पता इन्होंने जानबूझ के डाला। और मम्मी से कह रही है कि हमने ना फेरे लेते हुए हाथ जबरदस्ती, मतलब मैंने कहा कि हाथ पकड़ ले वीडियो अच्छी आएगी, तूने कहा था वो ओए क्या हो क्या झूठे आदमी, जब तू सिंदूर लग... जब तू सिंदूर लगाते हुए आंख बंद कर सकती है फोटो अच्छे लेने के लिए, तो चलते वो तो मैंने तो भाप आ रही थी मुझे ऐसी फीलिंग, कौन सा तांडव करके आया भाप आ रही थी। मतलब चलो फटा हमारे पति देव का मेकअप हो रहा है।
बहू ऐसे नहीं करती। हट तो मेरी प्यारी बहू। अब देव की बारी, अब रियान की बारी। हाय मेरी प्यारी बहू, मेरी सुंदर बहू, आशु करना जरा। क्या चल रहा है बे? हो गया? अच्छा, इससे क्या करते? ये किसने सिखाया तुझे? तुझे सब पता है भाई? ये देखो, रुको मम्मी, कौन सा हमारी बता? हमारी बीवी को कोई अप्लीकेबल करने वाला नहीं मिला ना, उस किसी पे अप्लाई करने के लिए, नहीं तो बालक को सिखा रही है। देखो देख जल्दी अम्मा को बाल बाहर रहा है। चेक कर नोज के ऊपर। हाँ सही है बेटा, लड़का इसके ऊपर ऐसे करते हैं, इससे देख ऐसे ऐसे। ये इसकी टीचर, ये इसका स्टूडेंट। हाँ ऐसे है ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही, इनका तो पीछे चलता रहेगा। देखो पीछे इनका मेकअप चल रहा है और इन्होंने भाई साहब मेरे को भी दुल्हन बहू सब बना मारा। आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, आज का भी दिन सुपर बिजी रहा, सुबह तबीयत ख़राब थी और फिर भी 3 वीडियो डाली आज। सो मिलते हैं कल अगले ब्लॉग के साथ, अगर नॉट फॉर दिस।